देखिए आज जो है ना हम जो है मैं सोया मेथी और आलू की सब्जी तो ये हमने सारी तैयारी कर ली है। तो ये सोया धो के छांट के सब इसको पीले पत्ते निकालने पड़ते हैं सोया में और मेथी में। तो ये मेथी है ये सब हमने धो के बढ़िया तैयार कर लिया है। ये है लहसुन और मिर्चा और ये कुछ नए आलू थे तो इसको खुरच के छील लिए हैं और ये दो पुराने तो इसको छील लिया है सब धो लिया है। इसको काटेंगे भी और इसकी सूखी भुजिया सब्जी बनाएंगे और इसको हमने छौंकेंगे तो लहसुन डालेंगे मिर्चा डालेंगे और नमक हल्दी बस और कुछ भी इसमें नहीं डालना है। देखेंगे नहीं तो थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और बस इसके भुजिया सब्जी जो है बनाएंगे। और ये हमने ये जो है ये लाल वाली मसूर की दाल है ये बहुत हल्की होती है और या तो मूंग की दाल खाइए ये दाल खाइए तो ये बहुत फायदेमंद है। तो इसकी दाल बनाएंगे या चावल बनाएंगे। ये जो है ये अमरूद की चटनी पीस ली है तो बस अब पहले इसको काट लें तो फिर छौंकेंगे। देखिए ये हमने जो है काट लिया ये महीन महीन मेथी ये सोया और ये आलू ये सब काट लिए। आलू भी जैसे पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े तो ये जल्दी गल जाते हैं और बहुत अच्छी भुजिया बनती है। ये हमने जो है लहसुन और हरा मिर्चा है थोड़ा सा अदरक एक टुकड़ी और ये हल्दी नमक तो बस ये हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें पहले लहसुन और मिर्चा डाल देते हैं। अब ये लाल हो जाए पहले तो हल्दी नमक डाल देंगे उसके बाद बस सब्जी छौंक देंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढाँक देंगे और बस बीच बीच में चला देंगे। गैस जब खूब खोलने लगेगा तो मतलब फिर गैस धीमी कर देंगे धीमे धीमे तो ये आलू वलू बढ़िया गल जाता है पानी सूख जाए तो फिर बस भून के आइए बस हमारी भुजिया तैयार हो जाएगी। और ये हम डाल देंगे हल्दी और नमक मसाले वसाले इसमें नहीं डालते मसाले डालने से दूसरा टेस्ट आता है। और ये एकदम सादी भुजिया बनाइए तो ये सोया मेथी आलू की भुजिया बहुत अच्छी होती है। इसको पराठे पूरी रोटी दाल चावल से तो ये बहुत बढ़िया लगता है और हम आज दाल चावल ही खाना बनाएंगे। और दाल वो दिखाई दी आपको हमने मसूर की दाल बनाएंगे उसको हम प्याज और टमाटर जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे उससे बढ़िया सौंफ देंगे तो इतना ये स्वादिष्ट खाना बनेगा। देखिए आलू का बस अब इसमें इसको हम छौंक देते हैं। आप लोग भी बनाइए इस प्रकार तो उसको जाड़े में तो मेथी सोया सब कितना बढ़िया आएगा नहीं तो ये सब्जी ये सोया मेथी आलू की भुजिया बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसमें हम डाल देंगे पानी पानी मतलब अंदाज से डालेंगे बहुत ज़्यादा नहीं। दो तीन मिनट के बाद गैस धीमी कर देंगे बस तो ये पक जाए फिर हम दिखाते हैं भून के। ये देखिए कितनी अच्छी ये हमारी भुजिया बनी। ये देखिए हमारी जो है भुजिया आलू सोया मेथी की ये सब्जी मेरी तैयार हो गई। बस इसी प्रकार आप लोग भी भुजिया बनाइए आलू और सोया मेथी की और हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।